नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर, आप देख रहे हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर खास आयोजन आजाद की 11 अनसुनी कहानियां। इस सीरीज में आज हम लोग जानेंगे चंद्रशेखर आजाद क्या खाते पीते थे और उन्हें क्या खाना सबसे अधिक पसंद था। खाने पीने की किल्लत हमारे क्रांतिकारियों के सामने हमेशा रही। कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे क्रांतिकारी कितनी मुश्किलों के साथ जीते थे, इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ते थे। उन्हें खाने के लिए जो कि विभिन्न क्रांतिकारियों ने जो जीत बच गए थे, आजादी के बाद अपने संस्मरण लिखे, इंटरव्यू दिए, उन सब में उन्होंने बताया कि कई बार दाल घोर करके या कई बार सिर्फ आटा घोर करके या कई बार सिर्फ ऐसे ही चावल पका करके खा लेते थे और वैसे ही उनकी जिंदगी चलती थी। ये भी गारंटी नहीं कि रोज ऐसा भोजन भी मिल ही जाए, फिर भी जो मोटे तौर पर मिला है अलग अलग। इन सब सारे साथियों में चंद्रशेखर आजाद भी शामिल रहते थे। वो अलग अलग हिस्से में जब छिपते रहे, फरार जिंदगी जी रहे थे, वेश बदल करके छद्म वेश में रह रहे थे, उस समय के बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। झांसी में बहुत अधिक समय बिताया आजाद ने और झांसी में उनका भोजन प्रायः होता था मास्टर रुद्र नारायण के यहाँ। वो मास्टर रुद्र नारायण ही हैं जिन्होंने उनकी वो तस्वीर, आइकॉनिक तस्वीर खींची थी मुछ ऐसे एंटते हुए जब वो नहा करके तैयार हो रहे थे, गमछी लपेटे हुए थे। या फिर एक और जो तस्वीर देखते हैं एक महिला और एक बच्ची के साथ, ये महिला मास्टर रुद्र नारायण की पत्नी थी और वो बच्ची उनकी बेटी थी जिनके साथ ये आप तस्वीर देखते हैं। बाकी और दो तीन और तस्वीरें हैं आजाद की, एक बनारस की तस्वीर है। तस्वीरों के बारे में एक अलग से वीडियो है जिस पर ये हम लोग कर सकते हैं। 14-15 साल की उम्र की तस्वीर है। फिर एक जब अल्फ्रेड पार्क में वो शहीद हो गए तो एक लेटा हुआ, पीठ के बल लेटा हुआ उनका शव जो है वो, और एक फिर शव को जब उठाया गया था उस समय, मतलब बैठी अवस्था में, ये तस्वीरें हैं। बहरहाल रुद्र नारायण के यहाँ वो रह रहे थे और वहां मोटे तौर पर ठीक ठाक खाना पीना मिल जाता था। इसके साथ ये भी कि मास्टर रुद्र नारायण के घर के आसपास भी सीआईडी की आंखें लगी रहती थी, सीआईडी का पहरा रहता था। झांसी में एक और अड्डा वहां पर फिर तो वो रामानंद जी के यहाँ ड्राइवर और मैकेनिक का काम करने लगे थे। झांसी में भगवान दास माहौर के यहाँ भी काफी इनका खाना पीना हुआ है और वहां पर ये होता था कि उनके घर पर, भगवान दास माहौर के घर पर, उनके घर से कुछ खाना पीना वो अपने यहाँ से लाते थे, कुछ सदाशिव राव मलकापुरकर अपने घर से ले आते थे, विश्वनाथ वैशंपायन ले आते थे और तीनों अपने खाने में थोड़ा थोड़ा अधिक ले आते थे। रोटियां एक एक दो दो रोटी सब बहा करके लाते थे और चारों का इसी तरह से गुजारा हो जाता था। मतलब एक एक दो दो रोटी तीनों के भोजन से निकल जाती थी, किसी के यहाँ से अचार है तो किसी के यहाँ से कुछ भुजिया है और ऐसे पेट भरता था चंद्रशेखर आजाद का। कभी भी उन्हें जरूरत के हिसाब से खुराक नहीं मिली, बहुत ही मुश्किल में जीते थे। ये स्थिति रहती थी कि कई बार वैसे ही भूखे रह जाते थे। एक बार चर्चा चलाई थी, एक साथी ने कहा कि ऐसा क्यों ना करें कि आपका एक फिक्स कोई जगह कर दिया जाए और वहां भरपेट आप खाना खाएंगे, आप दोनों समय तीनों समय जितने जब भी। तो उनका क्या यार, कितना बढ़िया खाना खा रहे हैं, तुम तीनों के घर से अलग अलग तरह के स्वाद आ जाता है, किसी की रोटी ऐसी, किसी के यहाँ से अचार आ गया तो किसी के यहाँ से भुजिया आ गई और उसी में हमको बहुत मजा आता है, मेरे चक्कर में मत रहो, मेरे फिर में मत रहो कि कैसे खाऊंगा कैसे पीऊंगा। इस तरह से आजाद का जीवन चलता था। साथियों ने लिखा है कि कई बार उन्हें आमतौर पर वो बीमार कभी नहीं पड़ते थे, लेकिन कभी कभार कब्ज की शिकायत हो जाती थी तो रात का भोजन वो नहीं करते थे और वो मंगाते थे शेर भर दूध और गर्म करके वो शेर भर दूध पी जाते थे, कब्ज उनकी दूर हो जाती थी, ये चीज। इसके अलावा खाने पीने का जो जिक्र आता है, एक बार कहीं रास्ते से गुजर रहे थे तो गांव में आप देखेंगे या शहरों में भी शायद हो वो मिले कि टोटका टोटरम करके योग वगैरह कर करके और वहां पर कुछ घी का दिया, पैसा, ये सब डाल करके लोग छोड़ देते थे। तो एक जगह ऐसा ही किया हुआ था तो उन्होंने महावर जी को कहा कि जाओ देखो तो क्या है वहां पर। तो महावर ने देखा कि वो योग किया हुआ ये था तो फेंक लाती से लात से मार करके और चले आए। आजाद ने पूछा कि क्या था तो ऐसे ही टोटका टोटरम किया हुआ था तो घी का दिया होगा ना जी।
माँ बोले कि हाँ था तो उसको भी फेंक दिया। एकदम बड़ा है, घी का दिया था, घी कम से कम पी जाता है, फिर दिया फेंकता। ये घटना ये भी सबूत देती है कि अंधविश्वास वगैरह के कितने खिलाफ थे आजाद। जिस चीज को लोग छूने से डरते हैं वहां वो कह रहे हैं, आजाद अपने साथी को बता रहे हैं कि कम से कम घी पी जाता या लेते आता, हम लोग खाना में खाते तब फिर दिया को फेंक देता भले ही। तो ये इतनी परेशानी थी खाने पीने की। एक और इंटरेस्टिंग किस्सा आया है, जब दल में संभवतः ये आगरे में जब सब लोग रह रहे थे, आगरे के ठिकाने का किस्सा है। भगत सिंह प्राय मजाक करते रहते थे और दल में उन्हीं की उस तरह से हैसियत भी थी कि जो आजाद से मजाक कर सकते थे। तो आजाद एक बार खाने बैठे रोटी और गुड़ के साथ, तो भगत सिंह ने साथियों को इशारा किया कि एक एक टुकड़ा गुड़ का सब उठा लो। अब यह हुआ कि थोड़ा सा गुड़ बचा और बाकी सब थोड़ा थोड़ा गुड़ लेकर के निकल लिए। आजाद खाने बैठे हुए, थाली से सब लोग थोड़ा थोड़ा उठा लिया। आजाद दमदमा गए, गुस्से में उन्होंने थाली फेंक दी। तो फिर भगत सिंह मनाने जाते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम लोग मजा कर रहे थे, खाइए खाइए खाइए। फिर और गुड़ लाया जाता है, दिया जाता है और वो खाने लगते हैं। तो ये एक खाने का मिलता है। अब है कि सबसे प्रिय भोजन चंद्रशेखर आजाद का कौन सा था। चंद्रशेखर आजाद का सबसे प्रिय भोजन था कढ़ी चावल। कढ़ी जिसको बड़ी कढ़ी कहते हैं हम लोग, जो गांव में आमतौर पर पहलोपना वगैरह के दिन बनता है, गांव में आमतौर पर बनता ही है वो दही डाल करके कढ़ी, दही बड़ी वाला कढ़ी, बड़ी कढ़ी कहते हैं या परेह भी कहते हैं जिसे बोलचाल में हमारे इलाके में, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता होगा, पता लगाइए। तो वो कढ़ी और चावल, और अगर उस कढ़ी में पकौड़ी भी डाली हुई हो जिसको बड़ी कहते हैं, दही बड़ा की बात नहीं हो रही है, ये बड़ी कढ़ी वाली बात हो रही है। कढ़ी चावल मिल जाए बेस्ट, अगर उसमें बड़ी भी डाला हुआ है मतलब पकौड़ी भी अगर डाली हुई है तो फिर आजाद के लिए ये एकदम पकवान की तरह हो जाता था। यह भोजन आजाद को संभवतः अपनी माँ से ये हुआ होगा, इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद की माँ जगरानी देवी को भी कढ़ी चावल बहुत अधिक पसंद था। जब वो दिल्ली में एक बार गई थी आजादी के बाद और वहां पर उनसे खाने के लिए पूछा गया कि क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब पेट तो साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, हाजमा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूछे हो तो आज कढ़ी चावल खाएंगे। तो ये कढ़ी चावल यहाँ से खाने का शायद आजाद में भी आया होगा। ये था कि आजाद क्या खाते पीते थे, क्या उनके पास उपलब्ध था, उनका सबसे प्रिय भोजन क्या था। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर खास आयोजन आजाद की 11 अनसुनी कहानियां। इस चैनल पर यानी द फ्रीडम पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों से संबंधित सैकड़ों वीडियो उपलब्ध है। आप चाहें तो उन्हें देखें, जो इसमें रुचि रखते हैं उन तक उन्हें पहुंचाइए इस मैसेज को, वीडियो फॉरवर्ड करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, द फ्रीडम के वीडियो के साथ अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।